हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है स्टडी विद मुशायद चैनल में। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सुपर टेट के लिए मैं मैथ पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा, यहाँ से नंबर सिस्टम जो भी चैप्टर्स में आते हैं बेसिक से पढ़ाऊँगा। जिसको भी मैथ नहीं आती है मैं उसको भी ऐसे समझ में लीजिए, स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ाऊंगा, उसको भी आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको बताऊंगा, ये चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है या जूनियर लेवल का पेपर होता है उसमें बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, मैं उन सारी चीज़ों को क्लियर कर दूँगा। आप बता दीजिएगा दोस्तों कि सुपर टेट के लिए मैथ स्टार्ट होने वाली है, जो बच्चे टेट देने वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है और जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है। आप उनको सेंड कर दीजिए ये नोटिफिकेशन। ठीक है, बता दीजिए बेसिक से, अगर किसी को मैथ सीखना है जिसे मैथ नहीं आता है आप उसके पास इस नोटिफिकेशन को ज़रूर सेंड करें और उससे कहें कि उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए पास एक मौका है मैथ को सीखने का। कहीं कोचिंग में आप ना भागें, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ, रीजनिंग, बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैं कोशिश करूँगा कराने की, लेकिन मैथ रीजनिंग तो खासकर आपके लिए मैं कराऊँगा ही कराऊँगा। आप बेचैन रहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठिए और घर पे बैठ के तैयारी कर दीजिए। ठीक, बस आपको थोड़ा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले संख्या नहीं दोस्तों, अंक से स्टार्ट करता हूँ। किससे करता हूँ? अंक से स्टार्ट करता हूँ। अंक दोस्तों कितने होते हैं कमेंट में बताइए, अंक कितने होते हैं? अंक दोस्तों 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक होते हैं दोस्तों। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो संख्या स्टार्ट हो जाती है, यानी कि नंबर स्टार्ट, संख्या स्टार्ट हो जाती है। वो किससे मिलकर बनती है? 1 और 0 से। जितनी संख्याएं आज तक बनी हैं वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, कोई भी और अंक नहीं है जिससे मिलकर वो बनी हों। तो 10 अंक होते हैं, ये वाले 10 अंक होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अपने नोट्सों को तैयार करते जाना है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, आपको लिख लेना है। इसके बाद में अब आते हैं हम संख्या। संख्या क्या होती है मैं बोलता जाऊंगा, आपको नोट करना है। संख्या होती है 2 या 2 से अधिक अंकों से जो मिलकर बनती है। ठीक है, उसे हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर जो बनती है उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ 10, यहाँ लिख दिया 52, ये लिख दिया मैंने 1000। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अंक कितने हैं? 2 अंक हैं इसमें, इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। 0 3 बार है, ये लिख दिया मैंने 5, 7, 6, 8, ये भी एक संख्या हो गई। ठीक है, ये 4 अंकों की संख्या है जिसमें 4 अंक हैं। तो जब हम अंकों को मिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या बनती है दोस्तों? हमारी संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या बनती है। आप इसके ये उदाहरण लिखे हैं, इनको नोट कर लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे। अब आते हैं हम संख्याएं। संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं? जो संख्याएं होती हैं वो होती कितने प्रकार की हैं? नंबर कितने प्रकार के होते हैं? अगर किसी को मैथ सीखना है वो बेसिक से सीख सकता है। आप मुझे, आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शेयर करना है, पूरी वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना है बस। संख्या कितनी होती है? वास्तविक संख्या होती हैं। 2 तरीके की संख्या होती हैं, एक होती हैं वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं दोस्तों? वास्तविक संख्याएं। और एक तरीके की संख्या होती हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। आपने ये तो सुनी होंगी, बट ये क्या होती है ये नहीं सुनी होंगी बहुत से बच्चों ने। काल्पनिक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। इन इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं रियल नंबर। और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें?
इन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इन्हें रियल नंबर कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये कौन सी होती हैं, जैसे कि मैं बता दूंगा कौन सी होती हैं। ये होती हैं दोस्तों जैसे कि आई, आई भी एक नंबर होता है जिसका मान होता है अंडर रूट के रूट माइनस वन। क्या मान होता है? अंडर रूट माइनस वन इसका अंतर मान होता है। आगे बढ़ता हूँ, रियल नंबर, रियल नंबर भी कई प्रकार की होती हैं। कैसे होती हैं? दो प्रकार की होती हैं ये, ठीक है। रियल नंबर होते हैं, ये होती हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। इन्हें कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। ये होती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। इन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पहले ये सारा बेसिक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, अपने नोट्सों में इस चीज़ को तैयार कर लेना, ये अपने नोट्सों में इस चीज़ को ज़रूर तैयार कर लेना कि क्या होता है परिमेय संख्याएं, क्या होती हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। आपको दिख रहा होगा शायद या नहीं दिख रहा होगा, मैं देख रहा हूँ, एक बार देख रहा हूँ तभी मैं आगे इसको रिएक्शन देता हूँ। परिमेय संख्याएं हो गई, रियल नंबर हो गई, ठीक है। अब संख्याएं होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, परिमेय संख्याएं भी तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं, क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और तीसरी होती हैं पूर्णांक संख्याएं, क्या होती हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं, क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। ये तीन तरीके की नीचे होती हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो ये परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर। और इनके जो पहले पहले नंबर होते हैं इन्हीं से इन्हें डिनोट करते हैं, इन्हीं से इन्हें डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को आर से, इन रेशनल को आई से, वास्तविक संख्याओं को आर से, ठीक है, इमेजिनरी नंबर को आई एम से कर दो, जेड से, सॉरी किससे करते हैं? जेड से करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, इन नंबर्स के बारे में आपको लिखाता हूँ। आप प्रॉपर इन सब के नोट्स बनाते रहिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये सुपर टेट के लिए है, बेसिक से पूरी तैयारी, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको कहीं पर भी कोचिंग लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप तैयारी कीजिए बस। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, फ्री में नहीं देखना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, बस इतना सा काम आपको करना है बस, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मिटाने की कोई ज़रूरत है, सबसे पहले हेडिंग डालिए वास्तविक संख्याएँ। क्या डालेंगे हम? वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं में लिखिए वे संख्याएं जो दशमलव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका एक निश्चित मान होता है, ठीक है, जो कैसे भी हमें प्राप्त हो जाती हैं। दोबारा मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, ठीक है। वे संख्याएं जो दशमलव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं या तो परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं, इस चीज़ का तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि मैंने लिखा पाँच, दो बट्टा तीन, ठीक है, अंडर रूट माइनस के पाँच, तो कोई भी संख्या ऐसी संख्या होती है वो वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। ये भी अलग अलग संख्याएँ होती हैं, ठीक है। जब हम नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे तो हम इनको और क्लियर करते जाएंगे। अब कैसे, दो बट्टा तीन क्या है दोस्तों? दो बटा तीन एक परिमेय संख्या है।
अंडर रूट फाइव क्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब मैं इधर आगे नीचे तरफ बढ़ता जाऊंगा तो मैं आपको पूरा समझाता जाऊंगा, ठीक है। वास्तविक संख्याएं खत्म हो गई, उसमें ये उदाहरण पड़ गए। अब आगे आप डालिएगा कि परिमेय संख्याएं, सॉरी परिमेय संख्या नहीं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं डालिएगा। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, हेडिंग क्या डालना है इसमें, काल्पनिक संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं वे संख्याएं जिनका कोई भी निश्चित मान नहीं होता है, ठीक है। वे संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इसका ये मान होता है बस, इसकी एक ही संख्या है अभी तक, जैसे कि आई, ठीक है, ये सारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं किस पे, परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या किसका भाग है दोस्तों, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का भाग होता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, हेडिंग डालिए परिमेय संख्या, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर मैं आगे आपको कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर डालिए परिमेय संख्या, इंग्लिश में लिखिए रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं तो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2/3, 1/2, 5/1, ठीक है, इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं, 1/√4। अब मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा दोस्तों, आप कहेंगे अंडर रूट वाली संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा, क्या करूँगा, 2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 तो बाहर निकल जाएगा ना, 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है, अगर आपको पेपर में 1/√5 या √4 या √9 इस तरीके की संख्या मिल जाए तो आपको देखना है इनका क्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, ये अंडर रूट से बाहर निकल जाती हैं। अगर ये संख्या अंडर रूट से बाहर निकल जाती हैं तो ये संख्याएँ कैसी होंगी, परिमेय संख्याएँ होंगी, क्या होंगी, परिमेय संख्याएँ होंगी। अब आप हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्याएँ, क्या डालेंगे हेडिंग, अपरिमेय संख्याएं। पहले आप इनको पॉज करिएगा और इसको नोट करिएगा, नोट करने के बाद में फिर आप इसको अपरिमेय संख्याएं डालिए। इंग्लिश में इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। गणित में इस बार आपके पूरे में पूरे आने वाले हैं, इसकी गारंटी है, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो वे संख्याएं लिखो, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। भाई जिन्हें लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है, जिन्हें नहीं लिखा जा सकता वो कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। वो कौन सी संख्या है, जैसे कि √5, 1/√7, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर अपरिमेय संख्या है। ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने लिख दिया √2, और √2 का मान होता है 1.4125, इस तरीके से ये संख्याएं चलती रहती हैं, इनका कोई निश्चित पार्टिकुलर मान नहीं होता है, इसीलिए संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर मैंने आपको लिख दिया 2.5, ये कैसी संख्या है, तो हमेशा ध्यान रखो ये एक परिमेय संख्या होगी, बचा 25, 5, 9, 10, क्योंकि एक इसका पर्टिकुलर मान है, ये 2.5 लिखी गई है, 2.5 लिखी गई है, इसे 5/2 के रूप में मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए एक निश्चित मान है। दोस्तों इसमें क्या है, अंडर रूट 2 का मान एक निश्चित मान नहीं होता है, इसीलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर मैंने कहा आप, अगर आप सोचेंगे सर इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक संख्या आ गई 1.25, ये किस तरीके की संख्या है, तो हमेशा ध्यान रखना ये एक परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी, मैंने इस पॉइंट को हटा दिया, नीचे कितने 0 आ गए, 2 0 आ गए, तो 25 5 125 25 4 100, तो कितना आ गया, 5/4 आ गया, कितना आ गया, 5/4 आ गया, जो कि पी बटे क्यू के फॉर्म में है।
तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सी संख्या, अगर पॉइंट में कोई संख्या आपको दे देता है, अगर आपसे पूछता है वो परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके देखना है। अगर उसका एक निश्चित मान आता है तो वो परिमेय संख्या होगी, अगर उसका निश्चित मान नहीं आता तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इस चीज़ का विशेष का ध्यान रखना है। तो अंडर रूट टू, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट थ्री, इस तरीके के मान कैसे होते हैं, एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालिएगा आप अपरिमेय संख्याओं के जो भाग हैं। परिमेय संख्याओं के भाग कौन कौन से थे, प्राकृतिक संख्याएं। अब आप कहेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, इस चीज़ का तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है, उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए वो क्या पूछा गया है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती हैं। वे संख्याएं जो काय में प्रयोग होती हैं, गिनती में प्रयोग होती हैं, ठीक है, काउंटिंग में यूज़ होती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं, होती हैं, क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये कैसे होती हैं, एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, डेड एस, ये कहाँ तक चली जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। कहाँ तक चली जाती हैं, अनंत तक। दोस्तों अगर कोई भी आपको इस तरीके का साइन बनाता है तो इसका मतलब होता है अनंत या अपरिभाषित, ठीक है, अनंत या अपरिभाषित। मैंने लिखा दिया प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ये वाले इसके उदाहरण लिखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या ये परिमेय संख्याएं होती हैं, कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। आप कह देंगे दोस्तों हाँ, ये एक परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम मैं हर किसी संख्या के नीचे एक लगा सकता हूँ, एक मैं लगा सकता हूँ। तो इस चीज़ का तो विशेषकर ध्यान रखना, कई एग्जामों में पूछा गया है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए या फिर अपने नोट में डाल लीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया एक बटा दो, एक बटा दो दोस्तों ये परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। एक बटा दो लिख दी, ये क्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। अगर मैंने लिख दी पाँच या पच्चीस, तो पच्चीस एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ, एक लगा सकता हूँ। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इस टॉपिक को ख़त्म कराने के बाद मैं इसके सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जो भी प्रीवियस ईयर में आप पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना होगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आते हैं, इससे रिलेट होता है, क्या होता है, पूर्ण संख्याएँ, क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं होल नंबर, क्या कहते हैं दोस्तों, होल नंबर, इन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें N से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इनका जो पहला लेटर अक्षर होता है बस उसी से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ का आपको विशेष का ध्यान रखना है, ठीक है। वे संख्याएं जिनमें वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है, किसको, जीरो को भी मिला दिया जाता है, तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। कैसे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड इनफाइनाइट, अनंत तक जाती हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप, नोट करने के बाद में आप कहेंगे लिखते नहीं हैं सर, मैं बोल तो रहा हूँ मुझसे, उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा, मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप लिखिए, नोट कर लीजिए। अगर मैं हर चीज़ को लिखूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
आगे डालिएगा लास्ट पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, क्या डालना है? पूर्णांक संख्याएं। अभी तो बहुत सारी संख्याएं दोस्तों रह जाएंगी, इंटीजर, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स। तो ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। किसको? ऋणात्मक संख्याएं दोस्तों, कॉमा, धनात्मक संख्याएं और शून्य को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सभी संख्याओं को आप उसमें मिला देते हैं या प्राप्त, तो हमें क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, इंटीजर प्राप्त होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं इन्हें, जीरो, माइनस के वन, माइनस के टू, माइनस के थ्री, माइनस के फोर, लेट डस इनफाइनाइट, ठीक है, एक, दो, तीन, लेट डस इनफाइनाइट। तो क्या होती है इसमें? धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो भी होता है। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है, ये क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों अभी भी नंबर आपके पूरे नहीं हुए हैं, अभी भी मैं इनके सब डिवीज़न कराऊंगा, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये सारी कहाँ में किस में आती हैं? ये सारी आती हैं प्राकृतिक संख्याओं में। इस चीज़ का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, मैं अगली वीडियो में आपको इसके आगे के कराऊंगा और जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे उसको भी मैं कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से मुझे फॉलो करें, मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।